आज एक मंदिर की कहानी। एक मंदिर जिसमें सभी लोग पगार पे काम किया करें, चाहे आरती वाला हो, पूजा करने वाला या मंदिर का घंट बजाने वाला। मंदिर का घंट बजाने वाला जो इंसान था वो आरती के समय ऊपर वाले में ऐसा लीन हो जाया करता कि उसे देखना बहुत अच्छा लगता। हर कोई जो दर्शन के लिए आता साथ ही इसकी भक्ति के दर्शन जरूर से करता और मुंह से निकलता वाह। मंदिर के ट्रस्टी ने एक दिन डिसीजन ले लिया कि इस मंदिर में वही लोग काम करेंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस घंट बजाने वाले इंसान को उसे कैबिन में बुलाया गया और उसे कहा गया कि कल अपनी पगार लेने आ जाना और उसके बाद हमें तुम्हारे काम की जरूरत नहीं होगी। इस इंसान ने कहा कि अरे आप मेरी पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं, मेरी भक्ति की शक्ति को तो देखें। लेकिन ट्रस्टी ने एक न सुनी। अगले दिन से जो लोग मंदिर में आते वो भी आरती के समय पर, उन्हें आरती में इतना आनंद न मिलता, उसकी कमी जैसे खलने लगी थी। 7-8 लोगों ने डिसाइड किया और उसके घर पर पहुंचे और उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम सिर्फ आरती के समय पर घंट बजाने आ जाया करना। उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ट्रस्टी को ऐसा लगेगा कि मैं लालच में आ रहा हूँ, काम की तलाश में आ रहा हूँ, पैसे के लालच में आ रहा हूँ। सभी ने कहा ये भी ठीक है। तो एक तोड़ निकाला कि मंदिर के ठीक सामने उसे एक दुकान खोल कर दी जाए और कहा कि पूरे दिन तुम वहां पर काम करना, सिर्फ आरती के समय पर तुम घंट बजाने आ जाया करना, किसी को ये महसूस नहीं होगा कि तुम किसी लालच में आते हो। और यही हुआ, मंदिर के ठीक सामने एक दुकान खोल दी गई और जनाब ऊपर वाले की दया से एक दुकान क्या, अनेक दुकानों का मालिक बना और आगे चलकर उसने एक फैक्ट्री भी खोली। बड़ी सी गाड़ी में से उतरा करता लेकिन फिर भी आरती के समय पर, ठीक समय पर घंट बजाने के लिए पहुंच जाया करता, वो भी उसी निष्ठा के साथ। काफी साल बीत चुके थे, ट्रस्टी भी बदल चुके थे, मंदिर को काफी साल बीत चुके थे तो रेनोवेशन की जरूरत थी। लेकिन नए ट्रस्टी को महसूस हुआ कि 7 लाख की जरूरत, इतना पैसा कहाँ से आएगा। सामने फैक्ट्री देखी, सोचा क्यों ना फैक्ट्री के मालिक से पूछा जाए। उन्होंने जैसे ही जाके ये बात बताई, उसने एक सवाल नहीं पूछा और अपनी सेक्रेटरी से कहकर 7 लाख का चेक तैयार करवा दिया और कहा कि मैं इस पर अंगूठा लगा के मेरे बैंक जाकर पैसे लेकर आता हूँ, शाम तक पैसे आपके हाथ में पहुंच जाएंगे। सामने बैठे हुए सभी शॉक थे। उन्होंने पूछा कि आप इतने बड़े आदमी हो, फैक्ट्री के मालिक हो, लेकिन फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं हो। इस पर उस इंसान ने क्या जवाब दिया जनाब, कि अगर पढ़ा लिखा होता तो आज तक मंदिर में पढ़ा लिखा नहीं हूं, तभी इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं। वो करवाता गया, मैं करता रहा, सब ऊपर वाले की लीला है। अर्थात उसके हर डिसीजन में खुश रहे, खुश दिखें, क्योंकि वो हमें वो नहीं देता जो हम और आपको अच्छा लगता है, वो हमें वो देता है जो हमारे और आपके लिए अच्छा है। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से। हमारे स्टूडियो में तो यही रहते हैं गन्नू भैया।